6 बजे से लेके मुझे आई थिंक 7 बजे तक उन्होंने घुमाया, इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से इस काउंटर, यहाँ पे पेपर चेक होंगे, वहाँ पे पेपर चेक होंगे। फिर मैं तो भड़क गई, मैंने यहाँ से आप तंग करे, कल भी आपने मुझे परेशान किया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा दिए हैं, अभी मैं क्या आप जानते दूँ आपकी अपनी आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग हाइट्स। मैं हूँ मनदीप कौर, अभी मैं इस वक्त खड़ी हूँ अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और मैं जा रही हूँ मालदीव्स। यहाँ से मेरी फ़्लाइट है 10:20 को और आगे फिर दिल्ली से फ़्लाइट है मेरी कनेक्टेड, तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगी। लेकिन फ़्लाइट तो मेरी कल की थी, लेकिन कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से वो जो मेरी कल जो मेरी फ़्लाइट मिस हो चुकी थी वो मुझे उसी में थोड़ा मैंने वो उन्होंने मेरी फ़्लाइट मिस कर दी थी। हुआ ये था कि एक्चुअली मैंने जो रिपोर्ट कराई थी प्री सी आर रिपोर्ट, उसके ऊपर डॉक्टर के साइन और स्टैम्प नहीं थे आई थिंक, उसकी वजह से उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास नहीं दिया। मैं 1 बजे तक यहाँ पे ही घूमती रही इसी एयरपोर्ट पे, तो वो नहीं माने, मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी करी नहीं माने। लेकिन फिर मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया, उनसे बात करी, उन्होंने फिर वो बोले कि हम रिफ़ंड तो नहीं कर सकते हैं आपका, लेकिन नेक्स्ट उसी टाइम की फ़्लाइट नेक्स्ट डे की हम आपकी कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे वो थोड़ा सा वो हेल्प किया, उन्होंने मेरी उन्होंने जो मेरी फ़्लाइट थी जो कल की फिर जो कैंसिल हो चुकी थी वो फिर आज में कर दी। आज सेम टाइम पर वही फ़्लाइट जा रही है और यही फ़्लाइट थी जो 10:30 को जानी थी और 11 o'clock आई थिंक वो दिल्ली में लैंड करना था। और आज भी मेरा मुझे उन्होंने बहुत परेशान किया, आज भी मैं 6 o'clock यहाँ अमृतसर एयरपोर्ट पे पहुँच गई थी और उन्होंने इतना लंबा 6 बजे से लेके मुझे आई थिंक 7 बजे तक उन्होंने घुमाया, इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से इस काउंटर, यहाँ पे पेपर चेक होंगे, वहाँ पे पेपर चेक होंगे, एक एक पेपर को चेक किया। फिर मैं तो भड़क गई, मैंने यहाँ से आप तंग करे, कल भी आपने मुझे परेशान किया, आज भी आप मुझे परेशान कर रहे हो। बहुत शोर मचाया मैंने, अच्छे से उनकी क्लास ली। फिर उन्होंने थोड़ा जैसे मैं भी चीखी चलाई, मैंने कहा यार अभी मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं, ये होटल बुकिंग दिखाओ, ये दिखाओ, रिटर्न टिकट दिखाओ, ये दिखाओ, फिर कुछ ना कुछ वो निकाल लेते थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके बैठ जाते थे, ये दिखाओ, वो ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा दिए हैं, अभी मैं क्या आप जानते दूँ आपकी अपनी आपको। फिर उन्होंने मुझे थोड़े से मुझे दे, उनको लगा कि गुस्सा आ रहा है, फिर उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दिया। बोर्डिंग पास के बाद अभी मेरी सिक्योरिटी चेक हुआ, सिक्योरिटी चेक के अभी मैं यहाँ बैठी हुई गेट नंबर 3 पे, जहाँ से मेरी फ़्लाइट जो है वो 10:20 को है, चलेंगे यहाँ से नेक्स्ट जो है बातें वो दिल्ली एयरपोर्ट पर होंगी। तो ये सारा सिस्टम है, ये सब कुछ यहाँ पर ही ज़्यादा होता है अमृतसर एयरपोर्ट पर। कल भी इन्होंने मुझे बहुत ख़राब किया, आज भी बहुत ख़राब किया। मैंने तो उनके सामने बोल दिया कि मैं हूँ तो मैं अमृतसर की ही, लेकिन अमृतसर एयरपोर्ट पे नहीं आऊँगी दोबारा मैं, इतना परेशान करते हो आप कस्टमर को। और सेम फ़्लाइट मेरे हस्बैंड की थी, इंडिगो की फ़्लाइट से ही मैं जा रही थी, सेम फ़्लाइट मेरे हस्बैंड की, उनके पास भी सेम रिपोर्ट थी वही, उनकी एक डॉक्टर से हमने टेस्ट करवाए थे, उनको जाने दिया, सिर्फ मुझे रोक लिया, उनको कुछ नहीं बोला, वो मालदीव्स में पहुँच गए। अभी मेरा एक दिन वो उन्होंने ख़राब किया, कल हम इकट्ठे पहुँचने वाले थे, दोनों साथ में चलने वाले थे दिल्ली से, लेकिन अभी उन्होंने वो एक दिन पहले पहुंच चुके हैं और मेरा वो जो है एक दिन ख़राब हुआ है। अभी मैं नेक्स्ट डे 26 को वहाँ उनको जाके मिलूंगी। तो ये मेरी कहानी थी, ये मेरा दुखड़ा था जो मैंने आपको सुना दिया। और नेक्स्ट जो बातें होंगी, कुछ जो प्रोसेस है इमिग्रेशन जो होगा वो मेरा दिल्ली में जाके होगा और फिर आगे की बातें दिल्ली में जाके होंगी। अभी मुझे लग रहा है कि बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, लाइन का मैं भी लाइन में लग रही हूँ, मेरे बोर्डिंग पास जो है वो रेडी। अभी टाइम क्या हुआ है, टाइम 9:30 हो चुका है, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो फाइनली अभी मैं प्लेन में बैठ चुकी हूँ और मेरा सीट नंबर है DF, विंडो सीट नहीं मिली मुझे आज, लेकिन एक पैसेंजर बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी बाहर का व्यू लेने का। दिल्ली एयरपोर्ट काफ़ी ठंड है, यहाँ पे धुंध है बहुत ज़्यादा,
हो चुकी है हमारे लिए, शायद दूसरी बस आएगी। तो अभी मुझे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ, अभी मुझे टर्मिनल नंबर 3 पे जाना है। क्राउड इतना ज़्यादा है और मेरे बोर्डिंग पास पे गेट नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो मुझे कौन से गेट नंबर पे जाना है वो मुझे नहीं पता अभी। यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि लाइन इतनी लंबी है, देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लाइन पीछे शुरू होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लगता है काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, फिर भी आधा घंटा भी हो जाए या फिर 1 घंटा भी लग सकता है। दिल्ली में इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था, उन्होंने सिर्फ मेरा पासपोर्ट देखा और बोर्डिंग पास देखा और स्टैंप लगा दिया और बोला जाओ। सिर्फ लाइन में थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, बाकी कुछ कोई उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट नहीं देखी, कोई रिटर्न टिकट नहीं देखी, कोई उन्होंने होटल बुकिंग नहीं देखी, सिर्फ उन्होंने मुझसे पूछा घूमने जा रहे हो, तो मैंने कहा यस, उन्होंने बोला चाहिए। अभी मैं लॉन्च ढूंढ रही हूँ, मेरे पास रुपे का प्लेटिनम कार्ड है जिससे लॉन्च एक्सेस फ्री है, तो चलो जाके खाते हैं गपा गप, फूड फ्री फ्री फ्री। इसके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे हस्बैंड ने दी थी क्योंकि वो मुझसे एक दिन पहले चले गए हैं वहाँ पे, इसी एरिया में बताया है उन्होंने मुझे। जब आप ड्यूटी फ्री एरिया बैठे हो, सामने ये आपको हट दिख रही है ना, ये बनी हुई है बहुत ब्यूटीफुल सी क्रिसमस की सजावट की हुई है, और इससे फिर आप लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड से एक्सीलेटर, एक्सीलेट से ऊपर ऊपर, फिर आप इधर सामने ही हैं, मुझे लिखा दिख रहा है प्रीमियम लॉन्च, मैं अपना लॉन्च कार्ड इनको दे देती, तो फिर बफे डिनर होता है इनका। डिनर किया, डिनर बहुत अच्छा था, काफ़ी वैरायटी थी, मज़ा आ गया खाना खा के। अभी मेरा गेट नंबर मैंने पता कर लिया, गेट नंबर मेरा 6, अभी मैं 6 नंबर गेट पे जा रही हूँ, नंबर 6 ये गेट नंबर 6 का एरिया है, यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं इंडिगो फ्लाइट दिल्ली टू माले। तो फाइनली अभी मालदीव में पहुँच चुकी हूँ, अभी बेल्ट अभी इन्होंने नहीं बताया कि बेल्ट कौन सी बेल्ट पे मिलेगा सामान, वो डिस्प्ले में कहते बताएंगे दिखाएंगे, तो आगे चल रहे हैं, बैग कहाँ से मिलेगा वो अभी देखना पड़ेगा, शायद वो सामने हमारी बस खड़ी है जो हमें लेने आई है, अभी उसमें बैठेंगे, शायद नहीं बैठेंगे, यस अराइवल जा रहा है सामने। काफ़ी है अभी इमिग्रेशन प्रोसेस हो गया, काफ़ी बहुत स्मूथ था, भीड़ थी लेकिन उनके काउंटर इतने ज़्यादा हैं कि उन्होंने फटाफट से कर दिया, अभी नहीं आया है। इसे निकलते ही कितना खूबसूरत नज़ारा है, और यहाँ पे आप यहाँ से आप बोट ले सकते हो अपने होटल का नाम बता के, तो उनके अलग अलग काउंटर है हर होटल के,
मेरा काउंटर था 20, मुझे जाना है कानी बीच, तो मुझे उन्होंने 10:30 को बोला है कि 10:30 को आ जाइए यहाँ पे। आगे वाली साइड जो है काली है और पीछे जो साइड है वो ब्लू है, पानी साथ साथ में है लेकिन एक साइड ब्लू है एक साइड ब्लैक है। अभी सामने मेरी बोट आ चुकी है, इसमें बैठूंगी मैं, अपने होटल पहुंचूंगी। डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूँ। पहुंच गई हूँ। दिस इज माय रूम। हेलो। किमें? हाँ जी बढ़िया। एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी। बैठो। रूम तो काफी अच्छा है। हेलो, आई एम आल्सो हियर, वाज वेटिंग फॉर हर, दैट इज वॉशरूम। नाइस। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपने रूम में। इन्होंने फ्लाइट मिस कर दी थी इंडिगो की वजह से, लेकिन अब मिल गए हैं। अभी नेक्स्ट कुछ डेज हम यहाँ पर रहेंगे और एंजॉय करेंगे, तो देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इस वीडियो को भी यहीं।